सीएम योगी आज करेंगे छात्रों से संवाद। तो कोटा से लौटे छात्रों से बातचीत यहां पर सीएम योगी की तरफ से शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोटा से लौटे छात्रों से संवाद करेंगे सीएम। छात्रों से होम क्वारंटीन का पूरी तरह से पालन करने की अपील करेंगे, तो साथ ही उनकी पढ़ाई बाधित ना हो इसको लेकर ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर भी चर्चा सीएम योगी की तरफ से। जो कोटा से छात्र लौटे हैं, जो बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे थे और लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे, उनको वापस बुलाया गया था और अब उनसे सीधा संवाद हम रुक करेंगे हमारे रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी जी का। हरेंद्र जी, आप शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोटा से लौटे छात्रों से संवाद करेंगे सीएम। बिल्कुल आसमा, देखिए एक बड़ी संख्या है, 8,000 से ज्यादा जो है छात्र जो कोटा में रह के कोचिंग कर रहे थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उनको यूपी वापस लाया गया और अलग अलग जिलों में उनको भेजा गया है और वहां पे उनको होम क्वारंटीन किया गया। तो ऐसे में 8,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं की संख्या के साथ आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे संवाद करेंगे और एक कोशिश होगी न सिर्फ उनका हालचाल जानने की बल्कि जो मौजूदा हालात है कोविड-19 के चलते, जो संक्रमण जो लगातार जो फैल रहा है, जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, उनको देखते हुए इस पूरी मुहिम में उन छात्रों की भी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और दूसरे जो अपने और परिवार के सदस्यों के अलावा जो और जो आसपास के लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपील की जाएगी। साथ ही उनसे कहा जाएगा कि जो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को लेकर मौजूदा हालात में चूंकि तमाम 63 संस्थाएं जो है बंद कर दी गई हैं, तो ऐसे में छात्रों की पढ़ाई का नुकसान और कोटा से जो ये छात्र लाए गए वो भी वहां पे पहले से अध्ययनरत थे, तो ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के प्रति उनको कुछ जानकारियां देने और उनको जागरूक करने के लेके भी सीएम योगी आदित्यनाथ इन छात्र छात्राओं से संवाद करेंगे। तो एक बड़ी पहल सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस वक्त आज देखने को मिलेगी जब सीधे रूबरू होंगे मुख्यमंत्री और संवाद स्थापित करेंगे। बिल्कुल, न सिर्फ उनकी पढ़ाई बाधित हो इसको लेकर चर्चा सीएम की तरफ से होगी। जिस तरह से बड़ी संख्या में छात्र वापस लौटे हैं और इतनी सख्ती के बावजूद भी कई जगहों से ऐसी तस्वीर, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि जहां पर लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन लोग करते नजर नहीं आ रहे, तो ऐसे में इन छात्रों से भी सहयोग की अपील होगी सरकार की। देखिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, सभी की कोशिश यही है कि ये जो कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है इसमें आम जनमानस की भागीदारी सुनिश्चित हो और हर किसी से इसमें सहयोग करने की अपील की जा रही है। और यूपी की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर खासे गंभीर नजर आ रहे हैं और लगातार उनकी तरफ से रोजाना समीक्षा बैठक होती है और इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है कि जो दिशा निर्देश शासन की तरफ से जिलों को दिए जा रहे हैं उनका अनुपालन किस स्तर पर जाके सुनिश्चित हो पा रहा है। और ऐसे में वो चाहते हैं कि हर कोई अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और तमाम ऐसे अलग अलग प्रयास उनकी तरफ से देखने को मिले और आज जो छात्रों से जो संवाद स्थापित करने की उनकी जो पहल है इसी कड़ी का एक हिस्सा माना जाएगा। शुक्रिया हरेंद्र जुड़ने के लिए।